हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम सीएपीएफ पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट पेपर 1989 के एसे का डिस्कशन करेंगे। ये सारे 6 एसे के टॉपिक्स हैं जो पूछे गए थे 1989 पेपर में। इसके पहले एक अनाउंसमेंट है, जिस भी कैंडिडेट ने मेरे से विद इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर खरीदा है मगर किसी रीज़न से टेस्ट पेपर के आंसर्स नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, तो वो मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजे ताकि मैं उसी टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर्स उनको ईमेल कर सकूँ। और मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट्स के लिए है कि यदि उनको पूरे 10 टेस्ट पेपर्स में कोई भी एक भी या दो भी टेस्ट पेपर नहीं मिला है तो वो भी मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजें। अब हम एक एक करके सारे ऐसे के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं आर्म्स रेस इन द आउटर स्पेस। जब भी आपको टॉपिक मिलता है सबसे पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, कहने का मतलब उस टॉपिक का मेजर एस्पेक्ट और माइनर एस्पेक्ट ढूंढो। और जो मेजर एस्पेक्ट होगा टॉपिक का, बेसिकली आपका पूरा का पूरा कंटेंट उसी मेजर एस्पेक्ट पर रिवॉल्व करना चाहिए, और जो माइनर एस्पेक्ट है उससे आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। तो आर्म्स रेस इन द आउटर स्पेस में मेजर एस्पेक्ट है आर्म्स रेस, तो आपको पूरा का पूरा फोकस आर्म्स रेस पे करना है और आउटर स्पेस पे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर दो। अब जब मैं कह रही हूँ पूरा फोकस आर्म्स रेस पे करना है, तो आप ये कर सकते हो कि सेकेंड पैराग्राफ से ही आर्म्स रेस के बारे में बताना शुरू कर दो, या तो फिर इंट्रोडक्शन के सेकेंड लाइन से ही आप आर्म्स रेस के बारे में बताना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आर्म्स रेस के बारे में आप थर्ड पैराग्राफ या फोर्थ पैराग्राफ से बताना शुरू करते हो, तो एग्जामिनर सोचेगा कि कहाँ पर इसने असली एस्से लिखा है, वो ढूंढता रह जाएगा और वो ढूंढेगा भी नहीं, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि आप अपने एसे का डिमांड को फुलफिल करो, तो एसे का डिमांड इस टॉपिक में ये कह रहा है कि आपको आर्म्स रेस के बारे में बताना है। ओके, तो चलिए हमने इंट्रोडक्शन हम देखते हैं हमने कैसे शुरू किया है। द यूनाइटेड नेशंस इन आउटर स्पेस ट्रीटी हैज प्रोवाइडेड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल स्पेस लॉ एंड सेट दैट स्पेस शुड बी रिजर्व फॉर पीसफुल यूजेस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। एग्जाम्पल of uses and benefits include weather monitoring, searching and rescuing, detecting potential natural disaster, dealing with space debris. तो basically जो outer space treaty है मैंने उसके बारे में बता दिया है कि जो outer space है वो किस लिए use में आता है, वो arms race के लिए use में नहीं आता है, वो human purpose के लिए use में आता है, जैसे कि weather monitoring, searching, rescuing, detecting potential natural disaster, dealing with space debris. Fine? फिर अब सेकेंड पैरा से मैंने लिखा है, बट सिंस द कोल्ड वॉर स्पेस हैज बीन यूटिलाइज फॉर गैदरिंग एंड सर्विलेंस थ्रू सैटेलाइट्स टू सपोर्ट फोर्सेस ऑन ग्राउंड इन द बैटल फील्ड, दिस इज कॉल्ड स्पेस मिलिटराइजेशन। अभी भी मैं आर्म्स रेस के बारे में नहीं आई हूँ। स्पेस वेपनाइजेशन बाय कॉन्ट्रास्ट इम्प्लाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेस वेपन्स इन द आउटर स्पेस टू डिस्ट्रॉय टारगेट ईदर इन ऑर्बिट और ऑन द ग्राउंड। तो मैंने यहाँ पर स्पेस मिलिटराइजेशन और स्पेस वेपनाइजेशन के बारे में बताया, मगर अभी भी मैं आर्म्स रेस में नहीं आई हूँ। इन दिस रिगार्ड द यूएस एंड यूएसएसआर स्टार्टेड वेपनाइजिंग स्पेस आफ्टर 1950 एंड चाइना फॉलोड सूट इन 2007। वेपनाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पेस में अपने वेपन्स को डिप्लॉय करना, और स्पेस मिलिटराइजेशन का मतलब क्या है कि अपने सैटेलाइट के थ्रू जो दूसरे कंट्रीज के जो बैटल फील्ड है उस पर नजर रखना, ये स्पेस मिलिटराइजेशन है। ओके, तो अब इस लाइन में लिखा हुआ है कि यूएस एंड यूएसएसआर 1950 से ही स्पेस को वेपनाइज करना शुरू कर दिया, और चाइना भी शुरू हो गया 2007 में, और इस साल एंड दिस ईयर इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कॉल्ड मिशन शक्ति। इंडिया अटेम्प्ट टू वेपनाइज स्पेस विल प्रोपेल पाकिस्तान टू ज्वाइन आर्म्स रेस इन द स्पेस। अब आप देखिए यहां से मैंने शुरू किया है आर्म्स रेस के बारे में बताना, तो मैंने अपने सेकेंड पैराग्राफ में आर्म्स रेस के बारे में बताया है और कौन से कंट्रीज आर्म्स रेस में है और कब से है ये भी बता दिया। दो चाइना आज इंडिया टू मेंटेन पीस इन द आउटर स्पेस, इट इटसेल्फ कंडक्टेड फर्स्ट AC-80 टेस्ट इन मे 2005 एंड देन इन 2007 एंड 2015। तो मैंने यूएस यूएसएसआर के बारे में बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया और पाकिस्तान के बारे में बता दिया। फिर मैं अब चाइना के बारे में आ रही हूँ कि आर्म्स रेस में कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है। जब इंडिया ने मिशन शक्ति लॉन्च किया तो चाइना ने इंडिया को एडवाइस किया कि स्पेस में पीस रखने के लिए, मगर वो खुद ही
एंटी सेटेलाइट मिसाइल टेस्ट लॉन्च किया हुआ है 2005, 2007 और 2015 में. द यूएस विशेस टू बिकम डोमिनेंट इन दिस फोर्थ मिलिट्री एरेना, द अदर थ्री बीइंग सी, लैंड एंड एयर. सी को बैटलफील्ड बना दिया गया है, लैंड को बैटलफील्ड बना दिया गया है, एयर को बैटलफील्ड बना दिया गया है. अब फोर्थ कौन सा है? स्पेस को भी बैटलफील्ड बना दिया गया है. तो देयरफॉर डेवलपिंग इट्स ओन स्पेस वेपन्स, रशिया टू इज इन्वेस्टिंग हेविली इन डेवलपिंग स्पेस वेपन्स टू कंडक्ट स्पेस वॉरफेयर. तो आप देख रहे हो मैंने सारे कंट्रीज का बता दिया है कि कौन कौन से कंट्रीज आर्म्स रेस में है. In such a scenario where all these major powers joining the arms race in the space, other nations may choose to have their own space weapons for protecting their own space assets. अब ये सारे countries हैं जो arms race में लग गए हैं, तो obviously बाकी countries भी join करेंगे. This will only deteriorate peace and stability in space and will turn it into a battlefield. तो इस arms race से क्या effect होगा वो मैंने यहाँ पर बताया है कि जो बाकी countries हैं वो लोग भी join कर लेंगे और स्पेस एक बैटलफील्ड बन जाएगा. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? स्पेस डेब्रिस की. स्पेस डेब्रिस इज अनदर मेजर कंसर्न. इवन अ टाइनी पीस ऑफ डेब्रिस कैन डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड एट विच दे ट्रैवल. अब मैंने कंक्लूड कर दिया है, देयरफॉर एनकरेजिंग वेपन फ्री स्पेस इज नीडेड. इट कैन बी डन बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज टू बिल्ड स्पेस डिसआर्ममेंट ट्रीटी एंड बाय पुटिंग सैंक्शन ऑन एनी स्पेस एक्टर्स हु अटेम्प्ट टू डिप्लॉय वेपन्स इन स्पेस. साउथ एशिया इज नाउ द वर्ल्ड्स लीडिंग साइट ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म. ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में आपका यूरी अटैक, पुलवामा अटैक, फिर श्रीलंका में अटैक हुआ है, पाकिस्तान में अटैक हुआ है, तो ये टॉपिक इसी की वजह से बना है. अब इसमें मेजर एस्पेक्ट क्या है कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का जो टारगेट है अब वो साउथ एशिया है. ये आपका मेजर एस्पेक्ट है. आपका पूरा ऐसे रिवॉल्व करेगा साउथ एशिया में. मैंने ऐसे शुरू किया है, साउथ एशिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड बट इट हैज आल्सो बिकम होस्ट टू मल्टीपल टेररिस्ट सेफ हेवन्स. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द यूएस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू विच साउथ एशिया अकाउंटेड फॉर 31% ऑफ टोटल टेरर रिलेटेड अटैक्स इन द वर्ल्ड. मैंने डेटा दे दिया. द 26/11 मुंबई टेरर अटैक, the gunning down of school children at an army run school in Peshawar in 2014 and Pulwama terror attack are testimony that South Asia's recent history has been marked by routine terror attacks. This year Sri Lanka has witnessed worst terrorist attacks in the world since 9/11. तो इस पैराग्राफ में मैंने साउथ एशिया में जो भी टेरर अटैक्स हुए हैं उसका मैंने लिस्ट दे दिया है. लिस्ट देना इसलिए जरूरी था ताकि मैं बता सकूं साउथ एशिया हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग साइट ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया है, दीज ट्रेजिक इंसिडेंट्स कम एज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म रीचिंग न्यू हाइट्स इन द वेक ऑफ राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट. अब यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि साउथ एशिया क्यों टारगेट हुआ है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का. 2014 में जब यूएस और सीरिया ने मिलकर आईएस को खदेड़ कर बाहर कर दिया था, तब ये अफगानिस्तान की तरफ माइग्रेट हो गए थे और तालिबान फाइटर्स के साथ मिल गए थे और ये ही लोग साउथ एशिया में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर. आप लोग इसको पढ़ लेना, इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है. तो यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ में मैंने ये बताया है कि क्यों साउथ एशिया टारगेट हो गया है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का. अब इसका सोल्यूशन क्या है ये मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है. So concerted efforts are needed to combat it by the South Asian countries, but Pakistan's duplicity and China's narrow interest in this region are thwarting any attempt made by other countries. So the US must reassert itself as a leader and internationalize the fight against Islamic State and other terrorist organizations. Most resources should be devoted to cripple their networks, assets, fundings and capabilities. Terrorism has clearly emerged as a key strategic challenge for South Asia. It threatens to derail the region's economic growth and diminish the quality of life of its citizens due to its horrific human carnage. Mitigating it will require tactical and strategic mutual cooperation between nation states of the world by ignoring their political difference. Ab next hai, communalism is more dangerous than corruption. Ab is ऐसे में आपको थोड़ा सा कम्युनिज्म के बारे में बताना है,
थोड़ा सा करप्शन के बारे में बताना है और कैसे कम्युनलिज्म ज़्यादा डेंजरस है करप्शन से, ये बताना है। मगर यदि आप इससे अग्री नहीं करते हो, आपको लगता है कि करप्शन ज़्यादा डेंजरस है कम्युनलिज्म से, तो आप वैसे भी बता सकते हो। मैंने शुरू किया है, वी आर प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ग्रेटफुल फॉर द राइट्स गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट करप्शन एंड कम्युनलिज्म बोथ आर पुलिंग द नेशन डाउन। करप्शन इज द अब्यूज ऑफ पावर फॉर मटेरियल गेन्स। Communalism is believed that people who follow the same religion have common interest. The interests of the followers of different religion are seen to be completely incompatible, antagonist and hostile. Such communal ideology leads to communal violence. तो मैंने यहाँ पर corruption के बारे में बता दिया और इस line में मैंने communalism के बारे में बता दिया. Fine? ये minor aspect है. Corruption का definition देना और communalism का definition देना. Major aspect क्या है? कौन ज़्यादा डेंजरस है, कम्युनलिज्म या करप्शन? हाँ, मैंने सेकंड पैराग्राफ से शुरू कर दिया है। कम्युनलिज्म इज मोर डेंजरस देन करप्शन बिकॉज इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ करप्शन। इट मीन्स दैट करप्शन लीड्स टू कम्युनलिज्म। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट डिनाई द पुअर इवन देयर सस्टेनेंस इन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्टेट्स रिसोर्सेज गोज टू द प्राइवेट पॉकेट्स। These poor people, due to lack of education and employment and deprivation of basic amenities, fall prey to fundamentalist ideologies that their belief alone is true and rest is untrue or incomplete. This ideology certainly comes in conflict with others, giving rise to communal tension. The apt instance for this is cow vigilant violence. अब यहाँ पर मैंने साफ साफ बता दिया है, जो communalism है वो corruption की वजह से है, क्योंकि जो corrupt bureaucrats है या corrupt politicians है वो poor people को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं देते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ का मतलब फूड, वाटर, एजुकेशन, रहने के लिए घर। तो उनका जो विश्वास है गवर्नमेंट पे वो चला जाता है और वो लोग किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और जिनकी वजह से वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सुपीरियर है दूसरे कास्ट या रिलीजन की आइडियोलॉजी से, और इसकी वजह से आपका कम्युनल टेंशन होता है या कास्ट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप जो भी कह सकते हैं। द पीपल ऑल्सो फॉल प्रे टू कम्युनल पॉलिटिक्स एंड लूज द साइट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिजन एजेंडा। दिस गिव्स राइज टू वॉयलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। द इंस्टेंस ऑफ बाबरी मस्जिद टेस्टिफाइज टू द प्रेजेंस ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिशियन ऑल्सो प्ले अ विलेनियस रोल इन क्रिएटिंग सीरियस कम्युनल सिचुएशन इन इंडिया विच इज एविडेंट फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पर अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एक काउ विजिलेंट वॉयलेंस बता दिया, मैंने बाबरी मस्जिद का बता दिया और मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया। फिर मैंने कंक्लूड किया है, सो करप्शन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनलिज्म। द लैटर पोजेज अ ग्रेट डेंजर टू द नेशन एज इट हैज पोटेंशियल टू ब्रेक इंडिया एज इट डिड इन 1947। When it raises its ugly head, there won't be time to save the country from a genocide or civil war. Communism can be combated with only a corruption-free politics whereby national interest takes precedence over the sectarian interest. मैं जो students ने लिखा है उसमें ज़्यादातर communism के बारे में लिखा है, corruption के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे भी candidate है और ऐसे candidate है communism और corruption के बारे में बताते जा रहे हैं, define करते जा रहे हैं as a separate entity। कम्युनलिज्म और करप्शन को जोड़े ही नहीं, कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो कनेक्ट ही नहीं किया है। तो ऐसे भी ऐसे को मार्क्स नहीं मिला है। आपको इस टॉपिक में कम्युनलिज्म और करप्शन को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट टॉपिक, द जलियांवाला बाग मैसेकर कैटलाइज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जलियांवाला बाग मैसेकर का कॉजेज लिख दिया, उसकी हिस्ट्री लिख दी, उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स था वो लिख दिया, मगर ये सब ज़रूरी नहीं है। आपको ये लिखना है कि किस तरह से जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो डिमांड था वो भी चेंज हो गया। ओके, ये सब आपको लिखना था, मगर बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री लिख दी है तो वो ज़रूरी नहीं था। आप ऐसे से फिर डिबेट हो रहे हो। मैंने शुरू किया है, पंजाब विच एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज इन द लास्ट सेंचुरी विल परहैप्स नेवर फॉरगेट द वन दैट हैपेंड ऑन द डे ऑफ बैसाखी अप्रैल 13, 1919। द जलियांवाला बाग मैसेकर, द बुचरिंग ऑफ अनआर्म्ड इनोसेंट्स इज अ हिस्टोरिक इवेंट दैट हॉन्ट्स द ह्यूमन माइंड इवन टुडे। इतना राउंड्स फायर्ड इन 10 मिनट्स
The blocking of exits, preventing help reaching the injured are all acts of unforgiving brutality. मुझे जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ों को मुझे डिटेल में नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि जलियांवाला बाग की वजह से कैसे इंडियन नेशनल स्ट्रगल का नेचर चेंज हुआ है, ये बताना है। बहुत सारे लोगों ने जलियांवाला बाग में हुआ क्या था एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, मगर आप देखिए मैंने सिर्फ इसमें इतना राउंड्स ऑफ फायरिंग, ब्लॉकिंग ऑफ एग्जिट, प्रिवेंटिंग हेल्प, बस मैंने इसको इसकी लिस्ट दे दी है बस। फाइन, तो ऐसे ही आपको करना था। दिस सेंसलेस वायलेंस कैटलाइज द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड गेव इट अ न्यू शेप एंड मोमेंटम। अब मैं यहाँ पर एसे का जो मेजर एस्पेक्ट है उसमें मैं आ गई सेकेंड पैराग्राफ में। Before the massacre, British rule was viewed as just, humane and progressive. If there were flaws, those could be addressed through discussion and petition. But this brutal violence shocked the conscience of many Indians and shattered their faith in the British sense of justice and fairness. Rabindranath Tagore renounced the knighthood that was granted by the British. Gandhi returned the Kesari Hind gold medal given to him for his work during Boer War. So, मैंने एक effect बता दिया है। ब्रिटिश की तरफ जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट टूट गया आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। फर्दर इट मार्क द स्टार्ट ऑफ लिबरेशन स्ट्रगल। नेशनल मूवमेंट प्रायर टू जलियांवाला बाग अटेम्प्टेड टू सी ग्रेटर सेफ फॉर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर आफ्टर द मॉन्स्ट्रस इवेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंटर्ड अ डिफरेंट पॉलिटिकल फेज ऑफ मास नेशनलिज्म एंड स्टार्टेड डिमांडिंग फुल स्वराज। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही फुल स्वराज का डिमांड होना शुरू हो गया था। Also, the revolutionary hero Bhagat Singh and Udham Singh were products of the massacre. तो पहला मैंने बता दिया कि ब्रिटिश की तरफ जो विश्वास था वो टूट गया। दूसरा, फुल स्वराज का डिमांड होने लगा। तीसरा, it also paved the way for Gandhi's emergence as a major political figure of the country. Initially, Gandhi ji was loyal to the British Empire and supported Britain in the First World War. But Jallianwala Bagh shook his faith in British justice. A year later, Gandhi resumed a determined struggle against the British and led India to independence in 1947. और तीसरा reason भी बता दिया कि किस तरह से Jallianwala Bagh massacre catalyzed किया Indian War of Independence. फिर मैंने कंक्लूड किया, टू कंक्लूड जलियांवाला बाग इवेंट वॉज नॉट द बिगनिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बट इट वॉज इट्स टिपिंग पॉइंट दैट ट्रिगर्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस। आफ्टर दिस इवेंट द पीपल बिगैन टू विलफुली ब्रेक द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश देयर बाय मेकिंग देयर रूल इललेजिटिमेट। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही ब्रिटिश रूल को इललेजिटिमेट माना गया था, उसके पहले नहीं। ओके, इंडिया डजंट नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड बट रिफॉर्म पर्सनल लॉज। जो ऐसे का टॉपिक ये बना है इसमें पर्सनल लॉज को फेवर किया जा रहा है ओवर यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर यदि कोई भी स्टूडेंट पर्सनल लॉज को फेवर करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अपना ओपिनियन दे रहा है। आप लोग जब एसी बनोगे तो आपको सिस्टम में रहना है, राइट? तो आप सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। तो इसीलिए ये जो एसे का टॉपिक है कि इंडिया डजंट नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड बट रिफॉर्म पर्सनल लॉ, आप इसके अगेंस्ट आपको बोलना चाहिए। हाँ, यदि कांग्रेस की सरकार होती तब आप इस टॉपिक के फेवर में बोल सकते थे, राइट? कांग्रेस जब तक थे तो वो पर्सनल लॉज को ही रिफॉर्म कर रहे थे, फाइन। मगर जब बीजेपी आई है तब से बीजेपी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है ताकि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, मैंने शुरू किया है, इन इंडिया वी हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एवरी रिलीजियस कम्युनिटीज। हाउएवर इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 इट इज स्टेटेड दैट द स्टेट शैल ट्राई टू इवॉल्व यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट एम्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज विद अ कॉमन सेट ऑफ लॉज अप्लाइंग टू एवरी सिटीजन इक्वली। तो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे बता दिया है कि पर्सनल लॉज है एवरी रिलीजियस कम्युनिटी का, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 ये कहता है कि पर्सनल लॉज को रिप्लेस करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ओके, अब मैं सेकेंड पैराग्राफ से मैंने बताना शुरू कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही चाहिए, पर्सनल लॉज नहीं चाहिए हमें। इट इज़ अ वेलकम स्टेप एज पर्सनल लॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियंस आर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वेमेन। Men are usually granted upper preferential status in matter of succession, inheritance and marriage. Uniform civil code will bring both men and women at par.
फर्स्ट रीजन क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, सेकेंड रीजन फर्दर मोर दीज वेरियस पर्सनल लॉज आर अगेंस्ट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर इंस्टेंस ट्रिपल तलाक इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 15 दैट गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स एक्सेट्रा. ये तीसरा बता दिया. चौथा ऑल्सो वेन द क्रिमिनल कोड इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल सो देर हैज टू बी सिमिलर कॉमन सिविल कोड विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड डिवोर्स दैट शुड बी बाइंडिंग टू ऑल. ये मैंने चौथा रीजन बता दिया कि क्यों हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए ना कि रिफॉर्म पर्सनल लॉज. मैंने इतना सारा रीजन दे दिया. अब रीजन देने के बाद मैं लिख रही हूँ कि इसीलिए पर्सनल लॉज को रिप्लेस करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से. इवन द सुप्रीम कोर्ट इन शाह बानो केस एंड इन शर्ला मुद्गल केस केम आउट स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब मैंने ये बता दिया कि मेरा ही ओपिनियन नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ओपिनियन है. सुप्रीम कोर्ट ने दो बार डिमांड किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनैक्ट करो. However, it is practically tough to come up with uniform civil code due to tremendous cultural diversity across the religion, sect, caste, states. अब मैंने यहाँ पर पहले रीजन बता दिया सेकेंड पैराग्राफ में कि क्यों हमें चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड. फिर मैंने ये भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिमांड किया. अब मैं बता रही हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है इंडिया में क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है. फिर एक और रीज़न बता रही हूँ क्यों डिफिकल्ट है. ऑल्सो माइनॉरिटीज फियर दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड माइट डिस्ट्रॉय देयर कल्चरल आइडेंटिटीज. डिस्पाइट अपोजिशन इफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इनैक्टेड it will construct a national Indian identity and eradicate those based on religion and would help in building cohesive society. मगर इतने obstacles के बावजूद भी यदि uniform civil code enact कर लिया जाता है तो ये एक national Indian identity create करेगा और जो भी differences और diversities on the basis of religion उसको हटा देगा और एक cohesive society बनाने में मदद करेगा. फिर मैंने इसका conclusion दे दिया. To sum up, there is an urgent need to enact a uniform civil code in order to improve the condition of women and end vote bank politics. It also promote unity, equality and help India be a truly secular nation. It will also reduce the burden on the legal system. Next is gender balance in the Indian armed forces. यहाँ पर जो major aspect है वो gender balance है. Minor aspect है Indian armed forces. ये topic इसलिए बनाया है क्योंकि अभी अभी military पुलिस में वुमेन का रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है. ओके, तो उसी के लिए टॉपिक मैंने बनाया है. मैंने इसको इस तरह से शुरू किया है. डिफेंस फोर्सेस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन. द रिपोर्ट रिलीज बाय रक्षा राज्य मंत्री इन 2018 क्लेम्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन ऑफिसर्स अगेंस्ट द मेल ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी इज एट इतना एज कंपेयर टू इतना दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट्स. This alarmingly low figure is due to many reasons like women being prone to injury, lack of privacy, sanitation, military sexual trauma and cultural barrier. So actually मैंने introduction में ही बता दिया है कि women का percentage army में low क्यों है, ये सारे reason बता दिए हैं. अब मैं बात करूँगी gender balance के बारे में second paragraph से क्योंकि ये major aspect है. Despite all these odds, India is making genuine efforts to achieve gender balance in the armed forces. In the year 1992, armed forces started inducting women as officers through short service commission. But these women officers were confined to auxiliary roles in the education, medical, engineering, signals, legal and military intelligence wings. Gender imbalance is also evident in the duty and obligation towards the nation as they are inducted in the armed forces only as officers and not in subordinate ranks. For instance, women do not serve in the combat arms nor do they fly fighter aircrafts. The reason for not giving frontline military duty is women getting directly exposed to enemy. Gender parity was also observed in the grant of permanent commission which was availed by men officers and not women officers. So, yahan par maine gender imbalance ke bare mein bata diya hai. However, this year, women officers will have the option to take a permanent commission. The government has also announced that women officers can achieve like brigadier, major general, lieutenant general. Another recent step taken by the government towards gender balance is recruiting women as soldiers into the military police. All these steps are certainly the reasons for celebration. But to achieve the genuine promotion of women's rights and gender equality in the armed forces, it is important to provide female officers with the option to serve in hazardous and difficult roles. Thank you, students.